हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मैं हूं धनंजय। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जब भी कोई एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट जब कुछ कहते हैं तो वो बहुत ही कम शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कह जाते हैं। ऐसे ही हमें देखने को मिलता है जब भी डॉक्टर जयशंकर सर कुछ कहते हैं। तब रिसेंटली वो मीडिया को ब्रीफ करते हुए वो कह रहे थे कि चाइना और भारत के बीच में रिलेशंस तभी अच्छे होंगे जब दोनों देशों के बीच में शांति बनी रहेंगी। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर जयशंकर सर ने क्या कहा और उसके बाद 15 जून 2020 के बाद किस तरीके से गालवान वैली के बाद यानी भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, रोड नेटवर्क को किस तरीके से चाइना के बॉर्डर के आसपास के रीजन में डेवलप किया है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है। उसके एक बहुत बड़ा जो वजह है वो ये है कि दोनों देशों का जो बॉर्डर है वहां पे शांति नहीं है। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ यानी कि 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 वॉर हो चुके हैं, डायरेक्ट वॉर और इसके अलावा और भी जो प्रॉक्सीज वॉर है वो चलते रहते हैं। तो जब तक कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट करना बंद नहीं करेगा तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं होंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है भारत और चाइना के साथ। वैसे मोर और लेस चाइना और भारत के भी जो रिलेशंस है वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन 2013 के बाद यानी कि जब से शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने हैं उसके बाद से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का एक बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर है, जिसके कारण क्या हुआ कि मल्टीपल ऐसे ओकेजन्स हुए हैं जहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खास करके लद्दाख रीजन यानी कि ईस्टर्न लद्दाख और अरुणाचल के आसपास के रीजन में जो भारत के ट्रूप्स है और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में बगझक होता रहता है। कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बगझक होते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, लेकिन 15 जून 2020 यानी कि गालवान में जो क्लैश होता है उसके बाद ये मामला काफी बढ़ जाता है। पूरे भारत में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जो चाइनीज गुड्स है उसको भी प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि हमारे नजर से काफी बेहतरीन चीज है। अब जब भी हम जियोपॉलिटिकल न्यूज को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो एक चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि कोई भी देश गलत या सही नहीं होता है। सबके अपने अपने देखने के नजरिया होते हैं और हर देश यही कोशिश करता है कि वो किस तरीके से ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपना डोमिनेंस को बना सके। चाइना भी वही करता है, रशिया भी वही करता है, यूएस भी वही करता है, मोर और लेस भारत भी वही करना चाहता है। तो इन अ वे अगर हम चाइना से काउंटर करना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं या तो वैसे भी और चीज का हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। चाइना का अगर आप इकोनॉमी को देखेंगे तो मोर और लेस मोर देन 50% जो दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जो सप्लाई होता है वो चाइना ही करता है। तो चाइना ने सबसे पहले अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको काफी स्ट्रांग बनाया और एज अ रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर कि वो डायरेक्टली चाइना से लड़ना नहीं चाहता है। गालवान वैली के बाद लगभग 20 हाई लेवल मीटिंग्स हो चुके हैं डी एस्केलेशंस को लेके भारत और चाइना के बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस अब तक मिलता हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है। हालांकि ना ही तो भारत ना ही तो चाइना बहुत खुल के अपने डिफेंस के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक चीज तो हमें समझ में आ जाता है पढ़ के आर्टिकल्स वगैरह कि अभी भी जो रिलेशंस है वो नॉर्मल या गालवान वैली के पहले जो रिलेशंस था उस लेवल को भी अब तक हम अचीव नहीं कर पाए हैं। वो लेवल अचीव तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत अपने डिफेंस में, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब पैसे खर्च नहीं करेगा। ये आज का ही आर्टिकल है जहां पे चाइना ने अपने डिफेंस बजट को 7.2% से बढ़ा दिया है। उसके पीछे का वजह एक तो जो चाइना को भी जो इमीडिएट खतरा है वो भारत से है और दूसरा ताइवान को फुल सपोर्ट मिलता है यूएस से। तो अगर आपका पड़ोसी मुल्क या आपका दुश्मन देश अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है और अगर आप नहीं कर रहे हैं इस उम्मीद में कि सामने वाला आप पे अटैक नहीं करेगा तो ये खुद के सोच में ही कहीं ना कहीं कमी है। ये 27 दिसंबर 2023 का आर्टिकल है जहां पे अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक पैराग्राफ दिखाऊं, अगर आप सिर्फ इस पैराग्राफ के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गलवान में हुआ था, हमारे जो फौज थे वो शहीद हुए थे, वो गलत था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री या और भी ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, उन सभी लोगों ने बहुत हाई लेवल पे जाके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो करना शुरू किया, रोड नेटवर्क को डेवलप करना शुरू किया
और वैसे लोगों को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास रहते हैं उनसे इंटरेक्ट करना शुरू किया। बहुत ज़रूरी होता है कि जहां पे भी आप ऑपरेशन करने के लिए जाएं, लोकल का सपोर्ट आपको होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो लोग वहीं के होते हैं, उनको पैटर्न समझना का उनके लिए पैटर्न समझना काफ़ी आसान होता है। इस आर्टिकल को भी आपको पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आएगा कि जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, वो हमसे ज़्यादा है। उसके पीछे का एक जो सबसे बड़ा वजह है कि चाइना बहुत पहले से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को वो कर रहा था। हम लोगों ने भी शुरू किया, लेकिन हमारा जो रिएक्शन था वो काफ़ी लेट रिएक्शन आया था। कहने का ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे प्रेजेंट सरकार हो या इसके प्रीवियस वाली जो सरकार थी, ऐसा नहीं था कि वो लोग कंसर्न नहीं थे, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि हम पॉलिसी बनाते तो है लेकिन उसको हम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। जब हम पॉलिसी को जब हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा काम है वो रुक जाता है। ये 15 जून 2023 का द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सर्विलांस गैजेट्स होता है या अपने इंटेलिजेंस होते हैं, इन सभी को काफी हाई लेवल पे एक्टिवेट किया है, और जो भी मॉडर्न वॉरफेयर टेक्निक्स होता है उसको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेप लिया जा रहा है उनके द्वारा, वो कहीं से भी कम नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा ये जो स्टेप है इसको हमें कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि अभी क्योंकि गलवान क्लैश 2-3 साल ही हुए हैं 2020 के बाद से, तो हम 3-4 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें और उसके बाद हम चुपचाप बैठ जाएं। उधर मालूम पड़ा कि चाइनीज गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं और फिर उसके कारण क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाएंगे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलत हो, मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।